हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेवीआर ऑनलाइन क्लासेस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। फॉर द प्रीवियस वन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक विल बी देयर। सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। सो यू नो दैट हियर 1 रुपीज, दैट वन इक्वल टू हियर 100 पैसा। क्लियर? 1 rupees equal to 100 paisa. So whenever you want to convert from paisa to rupee, that means you have to divide it by 100. So here the first one, 75 rupees, that means here 75 by 100, here 0.75 rupees. Okay, 0.75 rupees. Here you can use the rupees sign. Next one, 1025 paisa, so divided by 100. So that one equal to here 10.25 rupees. Okay, 10.25. आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि जब भी हम 100 या 10 या 1000 से डिवाइड करते हैं, so point right to left move करता है। Number of zero जितना होगा point उतना ही move करेगा। यहाँ पर 2 zero है, इसीलिए point 2 digit यहाँ पर move किया है। Okay, पहले यहाँ पर 5 के पीछे था, फिर उसके आगे 2 digit move किया है। Now next one, number 3. 63 रुपीस और 9 पैसा। अब देखिए, 63 रुपीस तो रुपीस में ही है, अगर 9 पैसा को हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, सो 9 by 100, दैट मींस 0.09। सो आपका आंसर हो जाएगा 63.09, क्योंकि हम ऐड कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2। अब नंबर 2 में देखिए, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब यहाँ पर देखिए, 1 centimeter इक्वल टू 10 millimeter, ओके? क्योंकि सेंटीमीटर के बाद ही मिलीमीटर आता है, सो 1 centimeter इक्वल टू 10 millimeter। अब मिलीमीटर से जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब हम 10 से डिवाइड करेंगे, कितना? 10 से। सो यहाँ पर देखिए, 2 1 8 millimeter, सो 8 by 10 centimeter, दैट इक्वल टू 0.8 centimeter। नंबर 2, 263 millimeter, so divided by 10, 26.3 centimeter. And now number 3, 13 centimeter पहले से ही centimeter है, और यहाँ पर देखिए 3 millimeter है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम centimeter में convert करेंगे, so होगी आपका 0.3, okay? So 13.3 centimeter as your final answer. Okay, I hope it's clear. Now let's move on to sum number 3. So here in sum number 3, express as meter, okay? Express as meter using decimal. Now 1 meter equal to, meter ke baad hota hai decimeter, uske baad centimeter. So 1 meter equal to 100 centimeter. Ab jab centimeter se hum meter mein convert karenge, 100 se divide karenge. So for number 1, 6 by 100, that means 0.06 meter. Okay, that is your answer. For the next one, 528 by 100, so 5.28 meter as your answer. Next one, 7 meter, 55 centimeter. इसका मतलब पहले 55 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, so 0.55 होगा, so final answer 7.55 meter, okay, as your final answer. Now next, sum number 4. ये हो गया sum number 3, अब sum number 4. Express as kilometer using decimals. So यहाँ पर देखिए, 1 kilometer equal to 1000 meter होता है, इसका मतलब हम 1000 से divide करेंगे. So number 1, 5 by 1000, so 0.005 kilometer as your answer. Next one, 888 divided by 1000, so 0.888 kilometer. Okay, और here the last one, 15 kilometer or 88 meter. So, पहले 88 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास हो गया 0.088, उसके सामने 15 बिठा देंगे, so 15.088 मीटर as your answer. Next, sum number 5, kg और ग्राम. So, यहाँ पर देखिए, 1 kg equal to 1000 gram, इसका मतलब फिट से हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, so 37 by 1000, here 0.037 kg, ओके? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए. नेक्स्ट वन हियर, 100 by 1000, ओके? सो आपके पास हो गया 0.100, ओके? हियर केजी. नाउ द लास्ट वन, 5 केजी
8 ग्राम। सो पहले हम क्या करेंगे, 8 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे। सो आपके पास आ जाएगा 0.008। अब इसके साथ 5 ऐड करेंगे, सो 5.008 केजी एज योर फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट वन, सम नंबर 6। इन सम नंबर 6 हियर एक्सप्रेस एज किलोलीटर यूजिंग डेसिमल्स। सो दैट मींस हियर 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब फिर से हम 1000 से डिवाइड करेंगे। नंबर 1, 6 by 1000, सो 0.006 किलोलीटर। नेक्स्ट 555 by 1000, सो 0.555 किलोलीटर। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट 3 किलोलीटर, 95 लीटर। सो पहले हम क्या करेंगे, 95 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सो हो गया 0.095। अब इसके साथ 3 ऐड करेंगे, सो 3.095 किलोलीटर एज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सम में हम मूव करते हैं। नाउ सम नंबर 7। अनीता बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हर। इसका मतलब यहां पर मुझे ऐड करना होगा, सिंपली ऐड करना है। ओके, शर्ट के लिए कितना था, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। सो आपको लिखना है यहां पर द क्लॉथ फॉर द शर्ट दैट वुड इक्वल टू 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब उसके नीचे आपको लिखना है द क्लॉथ फॉर द ट्राउजर 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब दोनों को यहां पर हम ऐड करेंगे। सो पहले यहां देखिए 0 + 5, इट्स 5। नाउ नेक्स्ट वन 7 + 8। ओके, सो यहां पर देखिए 7 + 8 कितना होता है, 15। सो यहां पर हम 5 लिखेंगे। क्लियर। अब 1 आपके पास कैरी हो गया, सो 2 + 2 + 1, 5। दैट मींस 5 मीटर 55 सेंटीमीटर। अगर चाहते हैं आप इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो इसको आप लिख सकते हैं 5.55 मीटर। ओके, 5.55 मीटर, क्योंकि अब आपको मालूम ही होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 55 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.55 मीटर। अब इसके साथ 5 ऐड करेंगे, सो 5.55 मीटर इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 8। सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाई बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाई कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। अगेन आपको यहाँ पर तीनों जो डिस्टेंस दिया हुआ है, तीनों डिस्टेंस को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए पहले था 15 किलोमीटर, उसके बाद 268 मीटर फॉर बस। नेक्स्ट वन 7 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 7 मीटर दिया हुआ है। ओके, ओनली 7 मीटर, सो इसको हम लिख सकते हैं 007 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन यहाँ पर 500 मीटर सिर्फ दिया हुआ है बाई फुट, सो इसका मतलब किलोमीटर यहाँ पर जीरो है। सो नाउ एड इट, 8 + 7, 5, कैरी 1, 6 + 1, 7, 5 + 2, 8, 7। सो दैट मीन 775 मीटर। अब किलोमीटर यहाँ पर 7 + 15, इट्स 22। सो 22 किलोमीटर 775 मीटर। अगर 775 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1000 से डिवाइड करेंगे, हो गया 0.775। इसके साथ हम 22 ऐड करेंगे, सो 22.775 किलोमीटर एज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 9। राहुल बॉट 4 kg 90 ग्राम एप्पल्स, 2 kg 60 ग्राम ग्रेप्स एंड 5 kg 300 ग्राम मैंगोस। फाइंड द टोटल वेट। ओके, इसका मतलब फिर से हम ऐड करेंगे, सो 4 kg 90 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट 2 kg 60 ग्राम, नेक्स्ट 5 kg 300, ओके 300 ग्राम। सो 0, 0, 0, तीनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 0 हो गया। 9 + 6, इट 15, सो यहाँ पर 5 होगा, कैरी 1। नाउ 3 + 1, इट्स 4 हो गया। अब यहाँ पर केजी लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम, 4 + 2, 6, 6 + 5, 11। सो 11 kg 450
50 ग्राम। अब फिर से हम क्या करेंगे, 450 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0.450 केजी, केजी को कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पर आंसर हो गया 11.450 केजी एज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सम नंबर 10। नाउ इन सम नंबर 10 रानी हैज रुपीज 18.50। ओके, सो 18.50 इज अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज। सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर रुपीज 11.75। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ? इट्स वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। सो फ्रॉम 18.50 सब्ट्रैक्ट 11.75, हियर माइनस। सो हियर कैरी वन, देन दैट वन इक्वल टू हियर 4, सो 10 माइनस 5 इट्स 5। नाउ हियर अगेन कैरी, दैट वन इक्वल टू 7 एंड दैट वन इक्वल टू हियर 14, 14 माइनस 7 हियर 7, सो हियर 7 माइनस 1 इट्स 6 एंड 1 माइनस 1 0, दैट मींस रुपीज 6.75 एज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 11। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। सी कट्स 4 मीटर 5 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम हिज मेकिंग अ कर्टन। हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर? अगेन इट्स वेरी सिंपल, एज हियर टोटल लेंथ और फुल लेंथ इज 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, ही कट्स 4 मीटर 50, ओके 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। सो दैट मींस हियर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। ओके, हियर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सो डू वन थिंग, फर्स्ट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो एज हियर 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, सो दैट इक्वल टू हियर 20.05 मीटर। ओके, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट मींस हियर 4.50 मीटर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 0 5, यहाँ पर कैरी होगा, सो 10 माइनस 5 इट्स 5, यहाँ पर 9 रहेगा, सो 9 माइनस यहाँ पर 4, सो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। सो 15.55 मीटर इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 12, दैट इज नंबर 11। रूबी बॉट अ वाटरमेलन वेटिंग हियर 5 केजी 300 ग्राम। ओके, सो हियर 5 केजी 300 ग्राम, दैट मींस यू कैन राइट हियर 5.300 केजी, आउट ऑफ विच सी गेव 2 केजी 680 ग्राम टू हर नेबर। सो 2 केजी 680 ग्राम दे दिया है, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे 2.680 केजी। व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ रूबी? अगेन यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। सो 0 माइनस 0 0, यहाँ पर कैरी होगा, 10 माइनस 8 इट्स 2, यहाँ पर 2 रहेगा, अगेन कैरी, 12 माइनस 6 इट्स 6, यहाँ पर 4 रहेगा, 4 माइनस 2 इट्स 2। सो 2.620 केजी एज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम नंबर 13। सो फॉर सम नंबर 13 द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ दैट इज रुपीज। सो 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इट्स रुपीज 35.80। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर? सो इसका मतलब 1 मीटर का प्राइस आपके पास दिया हुआ है, आपको निकालना है 9.8 मीटर का प्राइस। सिंपली हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई विथ 9.8, सो यहां पर लिखेंगे 35.80, यहां पर 9.8। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800, 88 जा 64, यहां पर 4, 6 कैरी, 85 जा 40, 40 प्लस 6 हो गया 46, नाउ 4 कैरी, 83 जा 24, 24 प्लस 4 इट्स 28। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 90 यहां पर 0 हो गया, नाउ 98 जा कितना होता है 72, सो यहां पर 2 लिखेंगे, 7 कैरी, 95 जा कितना होता है 95 जा 45, सो यहां पर 45 प्लस 7 होगा इट्स 52, यहां पर 2 लिखेंगे कैरी 5। ओके, नाउ 93 जा 27, 27 प्लस 5 यहां पर होता है 32, क्लियर। सो 0 4 6 2 8, 8 2 10 कैरी 1,
टू टू फोर देन फाइव थ्री। अब यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर दो डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट है पॉइंट के बाद। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पर तीन डिजिट के बाद यहाँ पर आगे पॉइंट लगाएंगे। सो आपका आंसर होगा यहाँ पर 350.84। लास्ट में जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ द लास्ट वन। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो हियर इन नंबर 14, फरीद बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट ईच वेटिंग 49.8। इसका मतलब एक बैग का वेट है 49.8 kg, सिर्फ एक बैग का। ओके, इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल बैग्स दैट इज 1792.8 kg, हाउ मेनी बैग्स डिड सी बाय। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 49.8, यहाँ पर लिखेंगे 1792.8, आप डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट यहाँ पीछे चला गया, यहाँ पर भी पॉइंट एक डिजिट पीछे चला गया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 498 और यहाँ पर हो गया 17928। ओके, 17928 आपको डिवाइड करना है 498 से। सो हम यहाँ पर 498 का टेबल करेंगे। सो पहले हम 3 से करके देखते हैं। ओके, सो 498 into 3 यहाँ पर होता है 1494। फिर हम करेंगे 498 into 4, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1992। सो 1992 इज ग्रेटर देन 1792, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1494। ओके, सो 1494 हो गया यहाँ पर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 - 4 यार 8। अब यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 18 - 9 9, यहाँ पर 6 हो गया, 6 - 4 2, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 498 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 2988। सो हियर योर आंसर, 36 बैग्स। क्लियर?